बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। हमने इससे पहले जो है वो सुन्नत क्या होती है, फिर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा, अख़लाक़ हसना के बारे में बताया कि आप सल्लम ने किस तरह जो है वो ज़िंदगी के हर हर अमल को, हर हर काम को जो है वो किस तरह से बेहतरीन तरीके से जो है वो हमें करके दिखाया, और उस पर अमल हम करेंगे तो यकीनन जो है वो हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे। आज जो है हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि आज मौजू है वो है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ायदे। यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी में आप सल्लम के सुन्नत और आप सल्लम के बताए हुए तमाम तरीक़ों पर अमल करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, समझ आ गई? तो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु वसल्लम के फ़ायदे आप जो है अपनी बुक के पेज नंबर 12 पर देखें। बुक खोल लें आप, जल्दी से खोल ली, वेरी गुड। तो अब देखें, इस पर आपको एक हेडिंग नज़र आ रही है, फ़ायदे। इसको हम आज पढ़ते हैं और साथ साथ जो है इसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, आपको समझाते भी जाएंगे। ठीक है, सुन्नत पर अमल करना अल्लाह ताला से मोहब्बत की निशानी है। यानी कि सुन्नत, सबसे पहले इसको पॉइंट बनाते हैं, उस पर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। सुन्नत पर अमल करना अल्लाह ताला से मोहब्बत की निशानी है। यानी अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करने को अल्लाह से मोहब्बत की अलामत बताया गया है। यानी जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करेंगे यकीनी तौर पर, लाजमी तौर पर जो है वो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर भी अमल करेंगे। और अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला से भी मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके पसंदीदा हर चीज़ को ख़ुद भी पसंद करते हैं। आपका जो महबूब है जिसे आप मोहब्बत करते हैं, अगर वो शख्स किसी और से प्यार करता है, किसी और चीज़ को पसंद करता है, तो आप भी वो चीज़ पसंद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप अल्लाह के रसूल सल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं तो दरअसल अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह को अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। और अब जब हम अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे तो यकीनन उससे अल्लाह खुश होगा, और हम दरअसल अपनी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का भी इजहार कर रहे होंगे। तो इस तरह से अल्लाह का नबी खुश होगा, अल्लाह का तो अल्लाह भी खुश होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के, कि अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करना दरअसल अल्लाह की से मोहब्बत की निशानी। इसके बाद इसीलिए जब, चूँकि वो अल्लाह ताला से हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत के वजह से जो है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, इसलिए हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेंगे, उसकी सुन्नत पर अमल करेंगे, तो फिर ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला भी फिर उन लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला बंदा जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे मोहब्बत करे, तो बेखलूस और बेलौस उससे मोहब्बत किए जाओ, तो यकीनन बदले में वो भी आपको मोहब्बत देगा। और अल्लाह तो हमारा मालिक है, खालिक है, अल्लाह तो हमारा माबूद है, वो हमसे कैसे मोहब्बत नहीं करेगा अगर हम उससे मोहब्बत करेंगे, अगर उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे और उसको खुश रखेंगे, हर हर काम उसके हुक्म के मुताबिक करेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला भी हमसे खुश होकर हमसे मोहब्बत करेगा। ठीक है, तो सुन्नत नबी पर अमल करने वालों से अल्लाह ताला भी मोहब्बत करता है।
और जब किसी से अल्लाह खुश हो जाए और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे तो यकीनन फिर अल्लाह ताला उसको बदले में, उसको इनाम के तौर पर क्या करते हैं, उसके गुनाहों को बख्श देते हैं, उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो तीसरा पॉइंट आ गया समझ में आपको, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी बात को जो है अल्लाह ताला कुरान पाक में कैसे इरशाद फरमाते हैं, देखिए इरशादे रब्बानी है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी सुन्नत की पैरवी करो। यानी अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी सुन्नत की पैरवी करो, अल्लाह तुम से मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। तो यकीनन ये ज़िंदगी की कामयाबी है आपके लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े पर आपने अमल किया। अल्लाह का महबूब जो पैगाम लेकर आया था, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दुनिया में लाया था, आप लोगों ने उस पर अमल किया, हूबहू उस पर अमल किया, उसकी पैरवी की, तो इस तरह अल्लाह ताला आपसे खुश होकर आपके गुनाहों को माफ़ कर दे और इस तरह आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो फिर आप फरमाते हैं कि आप सल्लम की एक एक सुन्नत अल्लाह ताला के नज़दीक ज़मीन व आसमान से भी कीमती है। इस ज़मीन में जो कुछ है, पहाड़, दरिया, समंदर, पौधे, दरख, सब कुछ, पहाड़, मैदान, जो कुछ और इस ज़मीन की तह में जो ख़जाने अल्लाह ताला ने छुपाए हुए हैं, आसमानों में जो कुछ है, उन सब से ज़्यादा कीमती अल्लाह के नज़दीक जो है आप सल्लम की एक एक सुन्नत है। सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती जो है अल्लाह ताला ने उसकी कीमत रखी है आप सल्लम की सुन्नत की। तो जब अल्लाह के नज़दीक इतनी अहमियत है, इतनी कीमत है, इतनी कीमती है सुन्नत, तो यकीनन हम मुसलमानों को भी अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार करने के लिए आप सल्लम की सुन्नत पर अमल करना होगा, उससे प्यार करना होगा। आप सल्लम ने जो तरीक़ा हमें बता दिया, बस वो हरफ आखिर है और अब हमें उस पर अमल करना है ताकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे खुश हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, तमाम सहाबा जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। सहाबा कराम दिन रात आप सल्लम को देखा करते थे और जैसे जैसे आप सल्लम को अमल करते देखते, बस वैसे ही जो है उसको अपनाने की कोशिश करते। कोशिश क्या करते, उन्होंने हर जो है वो हूबहू उस पर अमल किया। आप सल्लम के तरीक़े को बेहतरीन तरीके से जिन लोगों ने करके दिखाया वो सहाबा कराम थे। इसीलिए नबियों के बाद जो मर्तबा है वो सहाबा कराम का है। तमाम मुसलमान मिलकर भी एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते, इतना बड़ा दर्जा है सहाबा का। तो सहाबा ने जो है, सहाबा ही वो लोग थे जो आप सल्लम की सुन्नत पर पूरी तरह अमल करते थे। तो इसलिए आप सल्लम के सहाबा को भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मर्तबा दिया और उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में आप सल्लम से मोहब्बत की, तो इसलिए अल्लाह ताला के महबूब बने। यानी अल्लाह ताला ने उनसे मोहब्बत की और उन्हें दुनिया में भी आला मुकाम अता फरमाया और आखरत में भी आला मुकाम देने का वादा फरमाया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है आपका,
सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों सुन्नत नबवी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की वजह से अल्लाह के महबूब बने। ठीक है, समझ आ गया आपको ये? इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखें आप, तो आप सल्लम की एक एक सुन्नत अल्लाह ताला के नज़दीक ज़मीन व आसमान से भी कीमती है। पेज नंबर 13 पे आ जाइए आप। सहाबा कराम ने आप सल्लम की सुन्नत से मोहब्बत रखी और उस पर अमल किया। उन्होंने इबादात के अलावा मामलात यानी खाने पीने और रहने सहने के तरीक़े में आप सल्लम की ज़िंदगी को नमूना बनाकर इख्तियार किया, जिसके नतीजे में वो अल्लाह के महबूब बने, अल्लाह के महबूब बने और दुनिया में आला मुकाम पर फ़ाइज हुए। दुनिया में आला मुकाम पर फाइज हुए। ठीक है, यानी कि आप देखें कि तमाम सहाबा जो है अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहे और आज जो है काबिले तकलीद उनके अमल को समझा जाता है, क्योंकि उन तमाम सहाबा ने आप सल्लम के हर हर अमल को अपनाया, इबादात के मामले में भी और मामलात के मामले में भी, यानी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ मामलात थे उनमें भी जो है आप सल्लम के तमाम बातों पर अमल किया, तरीक़े पर अमल किया और इबादात का जो तरीक़ा आप सल्लम ने अपनाया और उनको बताया, तमाम सहाबा ने उन पर अमल किया बिल्कुल उसी तरह से। तो इस तरह से अल्लाह ने उनसे मोहब्बत की, क्योंकि सहाबा ने अल्लाह से मोहब्बत की और उसकी वजह से आप सल्लम की सुन्नत पर अमल किया, तो यकीनन अल्लाह ने भी जो है अपने तमाम सहाबा को जो है वो बहुत ज़्यादा चाहा, बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत फरमाई और आज जो है वो नबियों के बाद जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं वो सहाबा कराम हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में आला मुकाम अता फरमाया, आप जो है वो अल्लाह के महबूब बंदे बने, दुनिया में जो है वो कामयाब रहे और लोग जो है आज उनको भी काबिले तकलीद समझते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आखरत में भी उनको आला मुकाम देने का वादा फरमाया, तो आखरत में भी उनको आला मुकाम मिलेगा। ठीक है, भी जो है वो आला मुकाम मिलेगा। तो इसके अलावा तो इससे कहते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, यकीनन जब सब तमाम सहाबा ने आप सल्लम पर अमल किया और आने वाले जितने भी लोग हैं वो सब उस पर अमल कर रहे हैं, तो हमें भी जो अल्लाह की मोहब्बत का सबूत देने के लिए, उसके इजहार के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है, तभी जो है वो हम दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो सकते हैं। हमारा जो है वो दुनिया भी जो है वो संवर सकती है, हमारी आखिरत भी संवर सकती है और हम जो है अल्लाह के सामने सुरखरू होकर अल्लाह के सामने पेश होंगे और अल्लाह के सामने हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई? तो नेक्स्ट मज़ीद पॉइंट लिखती हूँ मैं आपके लिए। दुनिया और आखिरत की
कामयाबी मिलेगी। ठीक है, और ज़ाहिर है जब हम अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, तो यकीन अल्लाह के सामने हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी से बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था आपका सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ायदे हमने आपको बताए, और अब आप लोग अपनी कॉपीज निकाल लीजिए ताकि आप आज का क्लास वर्क कर लें। ठीक है, जल्दी से कॉपी निकालें। जी बच्चों, तो आज का क्लास वर्क पहला क्वेश्चन आपका आज का, दो खाली जगहें पूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन कर लिया आप लोगों ने, ब्लैंक्स निकाल ली। अब अगला क्वेश्चन कीजिए, MCQs को सॉल्व करें। ठीक है, MCQs निकालें पहले उसमें से आज जो हमने पढ़ा है, और फिर उसको सॉल्व करें, फिल करें। दो MCQs हल करें। हो गए आपके MCQs, वेरी गुड। अब जो है आप आज का तीसरा क्वेश्चन भी कीजिए, दो जुमले निकालिए जो कि गलत हों और फिर उनको सही कीजिए। ठीक है, दो जुमले दुरुस्त करें। क्वेश्चन नंबर थ्री भी हो गया आपका, और इस तरह क्लास वर्क ख़त्म हो गया। अब जो है आप लोग आज का होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, होमवर्क है आपका, पहला क्वेश्चन लिखिए आप, सहाबा कराम ने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे अमल किया। नंबर वन, सहाबा कराम ने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम पर कैसे अमल किया। ठीक है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर सिक्स है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट्स की सूरत में सुन्नत नबवी के फ़ायदे बताए थे, तो इसलिए आपने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम पर अमल करने के कोई पांच, अगर आपको इसके अलावा जहन में आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ज़रूरी कि जो मैंने आपको समझाएं आप वही फवाइद लिखें। ठीक है, कोई पांच फवाइद लिखें, बल्कि अच्छी बात होगी अगर आप अपनी तरफ से खुद लिखें।
तो ये था आज का होमवर्क, और इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।